हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वकैब की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग, और इस वीडियो के अंदर भी हम बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट हैं जी। ठीक है, और बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आई है, लेकिन ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। और ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो बहुत हाईली इम्पोर्टेंट है जी, और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को ये वर्ड्स तो मतलब याद करने ही करने हैं जी, रिवीजन करना है इनको। ठीक है, और लिखने भी हैं कॉपी में अंदर जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो वर्ड सीखने वाले हैं हम लोग वो स्टार्ट करते हैं सीखना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वर्ड आज की वीडियो का है फ्रेंड्स, आफ्टरमैथ। क्या वर्ड है दोस्तों? आफ्टरमैथ। अब देखो इस वर्ड को गैस करना हम लोगों को। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, ये और ये। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को दोस्तों। ये जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना, ये परिणाम है। परिणाम इन द सेंस कि मतलब कुछ हुआ है, कहीं पे आग लग गई है या कहीं पे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और ये शायद किसी का कोई डेथ हो गई है या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कई कईयों के लोग मारे गए हैं। तो दीज आर आफ्टर मैथ्स। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक्चुअल मीनिंग हमारे पास है दोस्तों, फ्रेंड्स, हाँ जी, द कंसिक्वेंस ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और जनरली नेगेटिव या ठीक है अच्छे परिणाम नहीं होते दोस्तों ये, और जनरली वो अनप्लीजेंट इवेंट के होते हैं जी। ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज़ का रिजल्ट आना ही आफ्टर मैथ होता है। जैसे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे कई लोगों की जान चली गई, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होने का आफ्टर मैथ है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप में आफ्टर मैथ को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो फूड प्राइसेस सोर्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ ड्रॉट। अब देखो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने के बाद प्राइस जो फूड के थे वो क्या हो गए? सोर्ड हो गए। सोर्ड का मतलब बढ़ना। ठीक है, तो ये आफ्टरमैथ था दोस्तों उसका, ड्रॉट का। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं इस वर्ड को दोस्तों। सिनोनिम्स डिस्कस करें तो इसके फर्स्ट वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब भी होता है नेगेटिव रिजल्ट्स। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है जी, बाई प्रोडक्ट तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो बाई प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, फॉल आउट। फॉल आउट भी जनरली रिजल्ट्स के लिए यूज करते हैं जी, कि इसके फॉल आउट्स क्या है। ठीक है जी, बैक वॉश। देखो जो वर्ड बैक है ना, इट मीन्स वो एंड एंड में आया है, और एंड का मतलब रिजल्ट ही आया होगा दोस्तों। तो बैक वॉश का मतलब ही हो गया कि जो बचा है वो क्या रिजल्ट आया है जी। ठीक है जी, ट्रेल। ट्रेल का मतलब भी वही है, जैसे मान लो कहीं पे युद्ध हो गया, उसने अपने पीछे क्या छोड़ा है, तो वो रिजल्ट ही है, लेकिन उसको ट्रेल की भाषा में बोल देते हैं हम लोग, ट्रेल है वो। अपशॉट। अपशॉट का मतलब भी रिजल्ट ही होता दोस्तों। ठीक है जी, तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ आफ्टरमैथ। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, रिपरकशन, बाय प्रोडक्ट, फॉल आउट, बैक वॉश, ट्रेल एंड अपशॉट। तो दीज आर वर्ड्स यूज्ड फॉर रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो इस वर्ड के सिनोनिम्स यही थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉलिशन। क्या है दोस्तों? कॉलिशन। तो थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या इस वर्ड का मीनिंग होने वाला है। देखो इसमें भी लोग कॉलिशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कॉलिशन है, मतलब एग्रीमेंट टाइप का वर्ड होगा दोस्तों। ये डिस्कस करते हैं। अ टेम्परेरी अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है दोस्तों, और ये गठबंधन कैसा है? टेम्परेरी है। फॉर कंबाइंड एक्शन, मतलब कोई एक्शन लेना है या इनको कुछ काम करना है, उसके लिए जो एक गठबंधन बनाया जाए लेकिन वो टेम्परेरी गठबंधन हो, उसको बोल लेंगे कॉलिशन। स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट। जनरली ये जो ये कॉलिशन वर्ड यूज होता है ना दोस्तों, ये जनरली पॉलिटिकल पार्टीज जो एक सरकार बनाती है ना, अलग अलग उस मतलब अलग अलग मिलकर अलग अलग उनको गठबंधन करके, ठीक है, उस टाइप के गठबंधन को कोलिशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में गठबंधन अलग अलग हो जाता है जब इलेक्शन होते हैं ना, तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन वो एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो अलग, वो क्या है, एक अलायंस बन गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड यूज होता है हमारा ये। एग्जाम्पल देखें तो अ कोलिशन बिटवीन आइडिया एंड वर्ड ऑफ। ठीक है,
अब ये आइडिया एंड वोडाफोन का कोलिशन हो रखा। कोलिशन का मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए इन्होंने आपस में गठबंधन किया कि किसी और को हराना है, ठीक है, इस तरीके से कोलिशन हुआ इनके अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ठीक है, इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज अलायंस, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हो दोस्तों, अलायंस, ठीक है। अफिलिएशन भी हमारा वर्ड होता है, अफिलिएशन का मतलब कनेक्टेड होता है दोस्तों। क्या मतलब होता है कनेक्टेड। यूनियन भी आप लोगों ने सुना होगा, अमलगमेशन भी, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, अमलगमेशन कई बार वर्ड रिपीट हो चुका दोस्तों, ये कॉलिशन के लिए जो होता जी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। मर्जर, बैंकों का मर्जर होता है, मतलब वो गठबंधन की टाइप में होता है जी, ठीक है, एक ही बनाया जाता है कईयों को लेकर। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, कॉलिशन के सिनोनिम होते हैं दोस्तों। एक बार रिपीट करेंगे, अलायंस, अफिलिएशन, यूनियन, अमलगमेशन, ठीक है, और मर्जर, ठीक है, मतलब काफ़ी सुने हुए वर्ड हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एंटोनिम्स देखते हैं, डिसोसिएशन, देखो थोड़ा सा वर्ड अगर यहाँ से याद करें ना, एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट जुड़ा हुआ है, लेकिन डिसोसिएशन का मतलब अलग है दोस्तों, ठीक है। ब्रेकअप होता है, अब ब्रेकअप जरूरी थोड़ा ना कि दो पर्सन के बीच में ब्रेकअप हो, ब्रेकअप कहीं पे भी हो सकता है जी, ठीक है, मतलब अलग होने की एक्शन को ब्रेकअप बोला जाता है जी, ठीक है, जनरली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन वर्ड बना सेग्रीगेट से, मतलब पार्ट में अलग अलग कर देना जी, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हो गए, और ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फाल्टर, क्या वर्ड है हमारा, फाल्टर। तो देखिए मैम सर को, ठीक है, फाल्टर की कंडीशन में थे, उठा रही हैं, और ये भी मैम फाल्टर की कंडीशन में, ये देवी जी इनको, ठीक है, आगे तक लेके जा रही है जी। तो फाल्टर की कंडीशन जनरली ऐसी होती है, शायद चलाना जाना या थोड़ा सा, ठीक है, हड़बड़ाहट में रहना, कुछ इस टाइप का वर्ड बनेगा, ठीक है जी। बाकी डिस्कस करते हैं, इसका मीनिंग होता है दोस्तों लूज स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ और मोमेंटम, मतलब अपना बैलेंस खो देना, ठीक है, और चला ना जाना, उसको ही फाल्टर बोला जाता है जी, ठीक है, अपनी ताकत खो देना या मोमेंटम खो देना, उसको ही बोलते हैं फाल्टर। द म्यूजिक ऑफ फाल्टर स्टॉप्ड एंड स्टार्ट अप अगेन, फाल्टर का मतलब ऐसे होता है ना, कई बार म्यूजिक अलग ही तरीके की आवाज़ आती है, चू 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 करके, मतलब एक्चुअल म्यूजिक कुछ और होता है, लेकिन फाल्टर कर जाता है वहाँ पे, तो उसका भी मोमेंटम खो दिया उसने अपना, ठीक है, स्ट्रेंथ तो क्या खोई होगी, स्टॉप होगा, दोबारा शुरू होगा जी, ठीक है। तो फाल्टर का मीनिंग इस सेंस में करते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, हेजिटेट, अब हेजिटेशन आप लोगों ने सुना होगा, हेजिटेट का मतलब भी वही है, अपने मोमेंटम खो देना, ठीक है, हेजिटेशन हो गई। एक ईडियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रैग वंस फीट, क्या होता है जी, ड्रैग वंस फीट, मतलब आप पैर लड़खड़ाना जी, कहने का मतलब इसका ये है जी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम फ्लक्चुएट करना जी, क्या करना दोस्तों, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब भी वही, मोमेंटम में नहीं है। वैसीलेट, वैसीलेट का मतलब भी होता है नॉट बैलेंस, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, नॉट बैलेंस, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वैसीलेट, ठीक है जी। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब भी वही है, कभी ये कभी वो कभी ये, मतलब मोमेंटम सा नहीं, सुने, एक स्थिरता हासिल नहीं की, उसके लिए भी यूज करते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है दोस्तों। एंटोनिम डिस्कस करते हैं, डिसाइडिंग, डिसाइडिंग का मतलब होगा तो उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन ले लिया इसका मतलब उसने मोमेंटम हासिल किया है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा फिगरेटिव मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि मीनिंग है कहाँ से आया। सॉरी, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव का मतलब ही कंक्लूजन ले लिया उसने जी, ठीक है, मतलब रिजल्ट निकाल दिया, या उसने परिणाम, ठीक है, परिणाम निकाल दिया, इस टाइप में वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। तो ये था फाल्टर मीनिंग जी, राइट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेसन, हेस्टन नहीं है जी, हेसन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार पता लगाओ आप लोग मीनिंग क्या होगा इसका, हेसन का, ठीक है। वैसे दिख तो रहा आप लोगों को कि ये सर हमारे, देखो पता नहीं मुंह किन कहाँ गए इनका, मतलब चश्मे तो हैं, मतलब तेजी में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तक बाहर आ गए इनके, और ये वाले दोस्त भी हमारे तेजी में है, तो हेसन का मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही मिलेगा। तो देखते हैं, इसका मीनिंग होता है दोस्तों बी क्विक टू डू समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने में तेज होना ही हेसन होता है दोस्तों, ठीक है। एक वर्ड होता है फाशन, अगर आप लोगों को याद हो तो यहीं से याद कर लेंगे, फाशन, FASTEN,
ये तो है हेसन और ये है फासन। फासन का मतलब होता बांधना, टू टाई। तो यहाँ से दो वर्ड याद कर लेंगे, बांधना तो होता फासन करना, और हेसन का मतलब जल्दबाजी करना, तेजी करना जी। ठीक है जी। ही हेसन टू रिफ्यूट द एग्रीमेंट, मतलब उसने मना कर दिया कि वो एग्रीमेंट को क्या है, मतलब कैंसिल नहीं करेगा जी। ठीक है। ही हेसन टू, सॉरी 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 सॉरी, मना नहीं किया। ही हेसन टू रिफ्यूट, मतलब उसने एग्रीमेंट को कैंसिल करने में या मना करने में बहुत जल्दबाजी कर दी जी। ठीक है, थोड़ा सोचना चाहिए था, एग्रीमेंट काम का हो सकता था उसके लिए, लेकिन उसने मना कर दिया पहले, जल्दबाजी में मना किया दोस्तों। रिफ्यूट का मतलब कैंसिल करना या उसको मना कर देना जी। ठीक है जी। और उस वो काम करने में उसने क्या किया, हेसन किया, मतलब जल्दबाजी कर ली दोस्तों। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। हरी, हरी तो बहुत कॉमन वर्ड आपको सभी को पता दोस्तों। डार्ट और डैश, ये दो वर्ड कई बार आ सकते हैं एग्जाम में हमारे, मतलब सुने हुए वर्ड दोस्तों, एग्जाम में आ चुके कई बार। डार्ट एक कंपनी का नाम भी है, कंपनी शायद वो कुरियर की कंपनी, अपने इंडिया में तो नहीं, शायद बाहर है। तो वो जल्द जल्दी कुरियर देती है जी। ठीक है, मतलब फास्ट सर्विस देती है, तो डार्ट का मतलब ही है तेजी। ठीक है जी। तो इस तरीके से उन्होंने नाम रखा है। स्कटल, स्कटल भी जो वर्ड है ना दोस्तों, जनरली तेजी के लिए करते हैं, मतलब बिल्कुल फास्ट साइड में, कुछ फास्ट टाइप का जो वर्ड होता है दोस्तों, स्कटल से होता है रिलेटेड हमारा जी। ठीक है, जैसे कई बार देखो आप लोगों ने बच्चे, जैसे आपने यहाँ पे बुलाया छोटे बच्चे को, और वो भाग का आपकी साइड जो आता है ना, वो स्कटल, मतलब उसकी जो स्पीड है ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो स्कटल है जी। ठीक है, मतलब भागने में या कोई काम करने में तेजी करना ही स्कटल होता है दोस्तों। स्कैम्पर, स्कैम्पर जनरली रनिंग के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, जो जो गैंगस्टर होते हैं, अगर मान लो पुलिस की खबर मिल गई कि आने वाले, तो जो उनका जो भागना है ना, उनको स्कैम्पर बोलते हैं, मतलब भागना तेजी से जी, लुप्त हो जाना वहां से। स्प्रिंट, ये तो आपने देखा होगा रेसी रनिंग में स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट लगाए उसने, ठीक है, शूट लगाए हैं, तो स्प्रिंट इस सेंस में होता है। तो दीज वर्ड्स आर यूज फॉर क्विक टू डू समथिंग, मतलब कोई काम को जल्द जल्दी करना चाहिए। ठीक है जी। एंटोनिम्स रिसर्च करते हैं दोस्तों। आप देखो तेजी का एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल स्लो स्लो, क्रॉल, रेंगना। ठीक है, रेंगना तेजी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्रीप का मतलब भी रेंगना ही होता है दोस्तों, दोनों वर्ड सी से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना दोनों को, क्रॉल और क्रीप। ठीक है, लिंग का मतलब नहीं, लटकना होता है। अब लटकना किस सेंस में, जैसे मान लो अब जैसे SSC का ले लो दोस्तों। ठीक है, SSC ने टीयर वन करवा लिया, मार्क्स दे दिया, अब रिजल्ट नहीं दे रही जी, रिजल्ट को लटका के रख रखा है। तो प्रोसेस जनरली जो स्लो हो जाती है ना, उनके लिए लिंगर वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। स्ट्रोल भी होता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलना। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो लुफ्त उठाना जैसे जो होता है ना, धीरे धीरे चलने वाला, वो स्ट्रोल होता है दोस्तों। तो दीज वर्ड्स आर यूज फॉर एंटोनिम ऑफ हेसन। ठीक है जी, वो सिनोनिम हो गए हमारे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है इम्बाइब। क्या है दोस्तों इम्बाइब, देखो भी क्या मीनिंग हो सकता है इम्बाइब का। ये सर हमारे काम पे लगे हुए, और देवी जी भी कैंप पे लगी हुई है। ठीक है, इम्बाइब कुछ शायद रिलेटेड पढ़ने से होगा मेरे हिसाब से, मेरे को जो गैस लग रहा है। ठीक है, बाकी मीनिंग डिस्कस ही करते हैं। मीनिंग होता है इसका एब्जॉर्ब और असिमिलेट आइडियाज और नॉलेज। और इम्बाइब को जनरली अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए भी होता है, जैसे उसने अल्कोहल को इम्बाइब कर लिया, इम्बाइब करने मतलब उसने पी ली। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो इसका फर्स्ट मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है मतलब आइडियाज नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लेना या उसको इकट्ठा कर लेना जी। ठीक है, जनरली इस सेंस में यूज होता है वर्ड हमारा, एल्कोहल के लिए बहुत कम यूज होता है वर्ड ये। तो अपने नॉलेज को या आइडियाज को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब या एसिमिलेट कर लेना, उसको इकट्ठा कर लेना दोस्तों, वो होता है इम्बाइब कर लेना। इफ वन डजेंट इम्बाइब द कल्चर, वन कांट सक्सीड। ये कह रहा है मतलब अगर कोई अपनी कल्चर को इम्बाइब नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, तो वो सक्सीड नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो ये इम्बाइब करने की सेंस होगी दोस्तों। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं इसके। डाइजेस्ट, देखो हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हमारा जो शरीर डाइजेस्ट करता है उसको, मतलब उसको ग्रहण करता है, ऑब्वियस ही बात है, एब्जॉर्व करता है दोस्तों। ठीक है, ग्रेस्प का मतलब भी होता है हासिल कर लेना उसको, जैसे कई बार तो पॉइंट्स ग्रेप्स कर लिए उसने जी। ठीक है, जो पॉइंट या जो कंसेप्ट सिखाया बच्चों ने ग्रेप्स कर लिया, तो इस सेंस में एब्जॉर्व करने की सेंस होती है। ठीक है,
एक्वायर कर लेना, उसको हासिल कर लेना, ये भी उसी टाइप का वर्ड होगा। स्वेलो, स्वेलो जनरली गटकना होता है दोस्तों, ये जनरली ठीक है ड्रिंक वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको। और गजल का मतलब ही वो होता है एकदम से घटक लेना उस चीज को, ठीक है। तो जनरली खाने पीने के लिए यूज होते हैं वर्ड एब्जॉर्ब करने के सेंस में, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग में इस तरीके से आ सकता है कि वो आइडियाज और नॉलेज को उन्होंने स्वेलो कर लिया जी, ठीक है। ही स्वेलोज ऑल द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट को थोड़ा ना निगल लिया, अब वहाँ पे मीनिंग है दोस्तों कि सारे कंसेप्ट को सीख लिया उसने जी, ठीक है। तो वर्ड्स के भी मीनिंग बदलते रहते हैं, वो किस कंटेक्स में यूज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है मीनिंग जी, ठीक है। तो डाइजेस्ट, ग्रैप्स, एक्वायर, स्वेलो, गजल, ये इस वर्ड्स के सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज की इस वीडियो में इतने ही वर्ड डिस्कस करने वाले थे दोस्तों हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको सारे वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो अपना नोट्स प्रिपेयर करना और इनको रिवाइज करना दोस्तों, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं हम लोग, थैंक यू फ्रेंड्स।